हमने बहुत सारे लोगों को कहते हुए देखा है कि गुरु जी हमने बहुत सारी साधनाएं की, हमें यश नहीं मिला, हमें सफलता नहीं मिली। आपने कभी गुरु को पहचाना ही नहीं, आपने कभी गुरु को देखा ही नहीं, आपने कभी गुरु को मानकर चले ही नहीं। आप जब गुरु को मानकर चलते हो तो देखो आपके जीवन में क्या होता है। आपको तो गुरु को मानने का विधान आना चाहिए। हम आम के सीजन में अगर हम सीताफल चाहते हैं तो मिलना मुश्किल है। आजकल तो मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि ये कलयुग है। आज अच्छा गुरु भी मिलेगा, बुरा गुरु भी मिलेगा, गुरु मिलेगा जरूर, अच्छा हो कि बुरा हो। सीजन है, बड़े बड़े गुरु कैसे भी चले आ रहे हैं, गली गलियों में गुरु मिलेंगे आपको और ग्राम ग्राम में गुरु मिल जाएंगे। गुरुओं की कोई कमी नहीं है, शिष्यों की कमी है, बस गुरुओं की कमी नहीं है। उसी तरह आज कौन से भी सीजन में तुम सीताफल मांगो मिल जाएगा, आज कौन से भी सीजन में आम मांगो मिल जाएगा, आज कौन से भी गली में जाकर गुरु को मांगो गुरु मिल जाएगा। लेकिन वह गुरु नहीं मिलेगा जो सिद्ध गुरु है, जिसको सिद्धियाँ प्राप्त है, जो तपस्या युक्त है, जो जिसने तपस्या की है। और वैसे तपस्या युक्त गुरु की शरण में अगर आप जाते हैं तो आपका निश्चित रूप से आपका वह फल, वह सिद्धि, वह साधना आपको जरूर मिलेगी। आप खा के भी देखो, आज के बारिश के सीजन में आकर आम खा के देखो, उसमें कोई टेस्ट नहीं रहता। और आम के सीजन में सीताफल खा के देखो, कोई टेस्ट नहीं रहता। वैसा ही रुचि का नाम होता है, यानी सिद्धि का फल होता है, सिद्धि का। जिस दिन हम मानते हैं उस दिन अगर गुरु की साधना करते हैं तो हम गुरु को निश्चित रूप से अपने शरीर में आह्वान करते हुए अपना शरीर गुरु को अपने शरीर में स्थापन करते हैं। और इस कारण ही हमने देखा है कि जो इस संसार में स्वयं अच्छे गुरु की शरण में जाता है, यानी अच्छे गुरु की मतलब सिद्ध गुरु की शरण में जाता है, उसका देवता भी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। देवता भी बाध्य होते हैं कि उसे जो पूछता है उसको देना ही है तो देना ही है। आज गुरु शरण में जाने का वह श्रेष्ठ दिन है। आपने देखा है सत्य हरिश्चंद्र महर्षि वशिष्ठ के शिष्य थे। महर्षि वशिष्ठ के शिष्य होने के कारण जब ये बात पता चली कि वशिष्ठ के शिष्य सत्य हरिश्चंद्र ने सत्य का व्रत लिया है, सत्य व्रत लिया है, और विश्वामित्र का और वशिष्ठ का कभी भी दोनों में 11 का आंकड़ा था, 36 का आंकड़ा था, और विश्वामित्र चाहते थे कि मैं बता दूं कि हे वशिष्ठ तेरे शिष्य मेरे सामने हार जाएगा। और हरिश्चंद्र वशिष्ठ के शिष्य होने के कारण विश्वामित्र जब आए और उनकी परीक्षा लेने के, मैं बहुत कहने की ज़रूरत नहीं, विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र जी की कैसी परीक्षा ली। अगर वैसी परीक्षा आजकल के ज़माने में लेते तो हम कभी के भाग जाते थे। उनका घर बेचना पड़ा, राज्य देना पड़ा, पुत्र मर गया, पत्नी को बेचना पड़ा, और वे स्वयं राजा होकर भी स्मशान में जाकर खड़े रहे। लेकिन उन्होंने सत्य व्रत को नहीं छोड़ा, अपने गुरु वचन को नहीं छोड़ा। आज वे प्रसिद्ध है सत्य व्रत के कारण। ऐसे शिष्यों का निर्माण एक अच्छा गुरु ही कर सकता है, और अच्छा गुरु वो होता है जो अपने शिष्य की रक्षा करता है, आज अखीर तक रक्षा करे। और जिस दिन आपको पता नहीं, जब वशिष्ठ अपनी तपस्या से लौटे, उनको पता चला कि मेरे हरिश्चंद्र को विश्वामित्र ने परीक्षा लेकर बहुत सताया है, तो वशिष्ठ उनके साथ युद्ध करने के लिए आए। उसी तरह मैं कहता हूँ, आज के नकली गुरु कितने भी हो, असली गुरु हो, तुम्हें अगर अच्छा गुरु मिलता है तो तुम्हारी कोई गलती का किसी भी कोई भी तांत्रिक तौर पर कोई प्रयोग करता है तो तुम्हारा अगर गुरु सिद्ध है तो उसके साथ तुम्हारे लिए लड़ेगा, जरूर लड़ेगा, क्यों नहीं लड़ेगा, उसे ही गुरु कहा गया, तुम्हारी रक्षा जरूर करेगा। कोई तंत्र तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर सकेगा क्योंकि तुम तुम्हारे गुरु पर निष्ठा रखते हो। तुम्हारे गुरु पर निष्ठा रखने वाले शिष्य को किसी तांत्रिक का मजाल नहीं है, किसी और एक ऐसे गुरु का मजाल नहीं कि तुम्हारे पर कोई प्रयोग कर सके, तुम्हारी इच्छाओं के विरुद्ध कोई काम कर सके, क्योंकि तुम्हारे को काम इतना ही करना होता है कि तुम तुम्हारे गुरु पर विश्वास करते हुए चले। और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आज गुरु सिद्धि दिवस के जिन गुरु प्राण चेतना मंत्र करते हुए गुरु की शरण में जाना है, और इस गुरु की शरण में जाने की विश्व विद्या को आज गुरु सिद्धि दिवस के दिन प्रदान करना। ये मैं यहाँ आया हूँ, मैं हर साल करता हूँ ये सिद्धि दिवस को। आज पहली बार मैंने नागपुर में कोकाटी जी के पुत्र और कोकाटी जी के ध्यान के उपलक्ष्य में कोकाटी जी को याद करने के लिए यह साधना शिविर उनको दिया है। वो जहाँ कहीं भी हो उनके ऊपर गुरु कृपा है, वो कभी नरक नहीं अनुभव करेंगे, वो स्वर्ग को ही अनुभव करेंगे जिन्होंने ये कार्य किया है। और उनके पुत्र को भी यह श्रेष्ठता, अपनी पत्नी पुत्रों को यह श्रेष्ठता दी है, उन्होंने कुछ भी होने पर भी अपने गुरु को नहीं छोड़ा, ये प्रत्येकता है। और उनके ऊपर गुरु कृपा थी, उनके परिवार के ऊपर भी गुरु कृपा है, और उनको हर समय गुरु की कृपा उनके साथ रहेगी और रहते रहेगी। इस प्रकार इस गुरु सिद्धि दिवस को आज उनको देने के बाद मैं आपको कहता हूँ, आज गुरु सिद्धि दिवस का थोड़ा समय आपको तो देना होगा तपश्चर्या के लिए, या एक घंटे के लिए आपको गुरु स्मरण करना होगा,
गुरु के उस मंत्र को 21 माला जप करना होगा। मैं तुम्हें कहता हूँ वर्ष भर के लिए तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो तुम पहले संकट का सामना करने के लिए तुम नहीं तुम्हारा गुरु तुम्हारे सामने खड़ा होगा। आज जो ये मंत्र करते हैं तुम्हारी साधनाओं में या तुम्हारी सिद्धियों में कोई अड़चन निर्माण हो तो आज इस मंत्र के करने से गुरुमंडल स्वयं तुम्हारे पास आकर खड़े रहता है और यह श्रेष्ठता है कि खड़े रहना ही चाहिए। इस खड़े रहने की क्रिया को आज गुरु सिद्धि दिवस के दिन हम उस साधना को संपन्न करेंगे जो साधना श्रेष्ठ आदि श्रेष्ठ कही गई है। मैं पहले आप सभी को एक बात कहता हूँ कि यह साधना मैं भी हर गुरु सिद्धि दिवस को करता हूँ और 21 माला करने के लिए कम से कम एक घंटा समय तो लगता है और जो अपने गुरु कृपा को प्राप्त करते एक वर्ष में आने वाले वर्ष में आप कोई भी साधना संपन्न करो गुरुमंडल का हर गुरु यानी हर दशमाविद्याओं के साथ दशमाविद्या को भी दशमाविद्या के मंत्रों को लाने वाले उनके अष्टुप्छंद गुरु शक्ति ऋषि हर एक है और ऋषि रहने कारण हर मंत्र का सृष्टिकर्ता हर देवता है चाहे दत्तात्रेय भगवान हो और चाहे सप्तर महर्षि हो या अक्षोभ्य ऋषि हो कोई भी ऋषि हो उन्होंने हर मंत्र की सृष्टि और हर मंत्र की देवता की सृष्टि की है। आज उस गुरुमंडल के सारे देवताएं पृथ्वी पर विराजमान होकर साधना करने वालों को देखते हैं और आज के दिन आप जो भी गुरु को मांगते हैं वो गुरु निश्चित रूप से आपकी उस साधना को संपन्न करने के लिए वर्ष भर के लिए आपके साथ रहने की इस क्रिया को करते हैं। इसलिए आज वह साधना जो गुरु सिद्धि दिवस की साधना कहलाई गई है आप सभी को प्रदान करता हूँ। मैं एक 15 मिनट का समय देता हूँ आप उस गुरु सिद्धि मंत्र और माला एवं प्राणचेतना मंत्र को आपके पास ला लीजिए। मैं नहीं समझता यहाँ के यहाँ कोई तेलुगु के लोग हैं। अच्छा ये रोज़ गुरु सिद्धि दिवस अनगा प्रपंचంలోని గురుమండలం అంతా కూడా పృథ్వీ మీద వచ్చి తన శిష్యులకు తాను కోరిన కోరికలను ఇస్తూ మన జీవితంలో మనం ఏ సాధన చేస్తున్నప్పుడెలా ఏ ఆటంకాలను తొలగించడానికి చేసే క్రియను గురు సిద్ధి దివస్గా చెప్పాడు. ఈ మంత్రాన్ని ఇప్పటివరకు చాలామంది ఇవ్వలేదు. ఎవరైతే ఈ గురు సిద్ధి దివస్ నాడు ఈ విశిష్టమైన మంత్రాన్ని చేస్తారో బ్రహ్మాండంలో ఉన్న గురువులంతా దిగి వచ్చి ఆ సాధనకు సాఫల్యాన్ని ఇస్తారు. కనుక ఈ గురుమండల సాధన యొక్క గురు సిద్ధి దివస్ నాడు ఆ గురు సిద్ధి సాధనను తీసుకొని చేస్తారు. నేను స్వయంగా ప్రతి సంవత్సరం ఈ సాధన చేస్తాను. కనుక మీరు మీ జీవితంలో మళ్ళా గురు సిద్ధి దివస వరకు గురుకృప ప్రాప్తం కావాలన్నా దశమావిద్య మన సాధన చేయాలనుకున్నా ఈ గురు సిద్ధి దివస ఆ గురువు యొక్క విశిష్ట మంత్రాన్ని మీరు జపం చేస్తూ ఆ యంత్రాన్ని మీ దగ్గర ఉంచుకుంటే మీరు సాధన పూర్తి చేయవచ్చు. అలాంటి గురు సాధనను ఈరోజు మీకు ప్రదానం చేస్తున్నాను. మీరు వెళ్ళి మంత్రం మాలా తీసుకొని వస్తే మీకు ఇక ముందర సాధన చెప్తారు. అప్పు సాధన బోల్తాం జోలో యంత్రాలు మాలా లేక రాతే ఓ లోగో కో ఉస్ విశిష్ట సాధనకు ఆప్కే హస్య కరవాతా హూ.